वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सबको बहुत टाइम से वेट था इस हाई लो कुर्ती का। तो ये हाई लो अम्ब्रेला कुर्ती मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके लिए आप कपड़ा कैसा लेंगे, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, दोनों कॉटन के क्लॉथ ले सकते हो, जैसे मैं अभी ले रही हूँ। एक मैं दुपट्टा ले रही हूँ, मैं ओल्ड दुपट्टा ले रही हूँ, पुराना दुपट्टा भी मेरा यूज़ हो जाएगा और मेरी कुर्ती भी बन जाएगी। और उसके नीचे के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। आपके पास कोई भी फैब्रिक अगर घर पे अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, दोनों दुपट्टा ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया, या फिर आप दोनों कॉटन के क्लॉथ ले सकते हो। ठीक है, क्लॉथ चाहिए कितना, मेरे केस में ये जितनी भी लंबी बनती है मैं उतनी बना लेती हूँ। जैसे कि ये दुपट्टा है और दुपट्टा मेरे केस में ये सिर्फ 2 मीटर है, तो मैं 2 मीटर दुपट्टा ले लूँगी। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लंबी बनानी है तो आप ये कपड़ा ज़्यादा ले लो। ठीक है, तो मैंने ऐसे दुपट्टा लिया और इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। आपको मैं ऑलरेडी इसका ड्राफ्ट बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देंगे, सीधा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने दुपट्टा लिया है और ये लिया है कॉटन का क्लॉथ। तो अब मेरे को ये कॉटन का क्लॉथ भी बिल्कुल उतना ही चाहिए जितना ये दुपट्टा होगा। ठीक है, तो मैं इसको मेज़र कर लूँगी कि मुझे कितना चाहिए। पहले देखो, मैं ऐसे मेज़र कर रही हूँ कि जितना दुपट्टा है उतना ही मैं कॉटन का क्लॉथ लूँगी। ऐसे मुझे इतना कपड़ा चाहिए, तो मैं पहले इतना कपड़ा अपना नीचे वाला लाइनिंग वाला कट कर लेती हूँ। देखो, ये मैंने क्लॉथ जितना भी मेरा दुपट्टा था उतना मैंने लेके फोल्ड कर लिया। ये यहाँ से मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम पहले सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। इसको यहाँ से ऐसे ट्रायंगुलर कर लेते हैं। देखो, ऐसे ट्रायंगुलर करके ऐसे सीधा कर लो। देखो, हमने यहाँ से ऐसे ट्रायंगुलर कर लिया, ऐसे ट्रायंगुलर कर लिया, और ये यहाँ से ये फोल्ड है, यहाँ से फोल्ड है ना। अब इधर से देखो आप ध्यान से कि कैसे करते हैं। यहाँ से हम ऊपर से नापते हुए आ जाएंगे कि यहाँ पे 7 इंच कहाँ आ रहा है, 7 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे मैंने 7 इंच यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी। ये किसके लिए की है, ये मैंने तीरे की लाइन मार्क की है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस बैक। अब यहाँ से ऊपर से भी यहाँ पे मैं 7 इंच तक निशान लगा लूँगी। ये देखो, यहाँ कॉर्नर पे 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसकी शेप देंगे, आर्म होल की। यहाँ से हम जितनी भी हमारे रिक्वायर्ड बस्ट है, ठीक है, छाती, तो उतना उसका 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लेंगे हम जितनी भी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे भी आप अपने नॉर्मल सूट में मेजरमेंट लेते हो वैसे आप इस कुर्ती में मेजरमेंट लोगे। ठीक है, और प्लस आप 1-2 इंच का मार्जिन ले सकते हो, मैं प्लस 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। ठीक है, तो जितना भी मुझे चाहिए तो मैं उतना रख लेती हूँ। यहाँ से ऐसे इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, और यहाँ से हम कर्व दे देंगे फिर। ठीक है, ये है हमारे, यहाँ से मैंने कर्व दे दिया ऐसे। इतना समझ में आ गया। अब ऊपर से लेकर 14 इंच, ऊपर से 14 इंच पे हम कमर नापेंगे। वेस्ट कमर कितनी होती है, वेस्ट को हम 4 से भाग करते हैं। ठीक है, कमर को 4 से भाग करते हैं, प्लस 1 इंच का मार्जिन रख सकते हैं हम। यहाँ पे कमर नाप लेंगे जितनी भी चाहिए, ऐसे मैंने कमर का निशान लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी आपको चाहिए उसको ऐसे फोल्ड कर सकते, इसको यहाँ से मिला दोगे कमर के साथ। ठीक है, बस्ट लाइन को कमर के साथ मिला दोगे। यहाँ पे हमने थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है। उसके बाद इधर तक हो गया। अब आपको और कोई मेजरमेंट नहीं करना, अब सीधा यहाँ बॉटम में आ जाओ। अब देखो, इसके बॉटम की तरफ आ गए, और ये जितना भी आप ले सकते हो यहाँ से लेंथ वाइज बिल्कुल खुला ले लो, क्योंकि ये अम्ब्रेला बनेगा तो बिल्कुल खुला कर लो। यहाँ से ऐसे मार्क लगा लो, यहाँ से लेके बिल्कुल इस कॉर्नर तक ऐसे इसको ज्वाइन कर दो। हमने किसको ज्वाइन किया है, कमर को इस कॉर्नर तक ज्वाइन कर दिया, तो ये अम्ब्रेला स्टाइल बन जाएगा। कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, ये 20, ये ऑलमोस्ट 20 इंच आ रहा है, 20 इंच, तो इसी 20 इंच को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। यही कमर वाला निशान को, ये देखो, यहाँ से भी 20 इंच लेंगे, 20 इंच लेंगे, यहाँ से भी 20 इंच पे निशान लगा लिया, और सेंटर में से आप थोड़ा नीचे और लंबा कर सकते हो क्योंकि आपके पास कपड़ा भी है। ठीक है, तो 3-4 इंच और लंबा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हाई लो कुर्ती है, जैसी मर्जी शेप इसकी आ सकती है।
जैसे शेप दोगे वैसे ही ये बन जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे और बस्ट लाइन में भी। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन रखना मत भूलिएगा, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा अभी। और फिर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप इसको समझिए, पहले यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे 7 इंच 7 इंच, ऊपर से लेकर यहाँ तक हम 7 इंच नापेंगे और फिर यहाँ पे भी 7 इंच नापेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नापेंगे कितना, बस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, इधर तक आया मेरे केस में। उसके बाद मैंने मार्जिन रखा थोड़ा सा, फिर हम आते हैं ऊपर से लेकर यहाँ तक 14 इंच पे, यहाँ पे हम नापेंगे कमर, कमर को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच, तो जितना भी आया यहाँ पे आया। उसके बाद मैंने और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर तक ज्वाइन कर दिया। ले आए, ये देख सकते हैं आप, ये कर्व को निशान ले आए यहाँ पर। ये देखो, ये हाई लो कुर्ती है, तो आप यहाँ से इसकी लेंथ जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। 20 इंच सिर्फ इधर तक ही आ रही थी, तो मैंने इसको और एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा दी। इसकी लेंथ आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में काटनी हो तो काट देना, लेकिन अभी मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो ऐसा ड्राफ्ट लगेगा, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो, अब हम ये दुपट्टा लेंगे, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, आधे में ऐसे, बिल्कुल हाफ अवे में फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको मैं ऐसे रख दूंगी, इसको ऐसे रख दिया। अब इसका भी ट्रायंगुलर बनाना है, तो देखो इसका भी मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको भी मैं सीधा रख दूंगी, देखो इसको ऐसे रख दिया। इसके ऊपर हमने ये जो कटिंग की थी लाइनिंग की, ये रख देंगे। ये देखो, हमने इस दुपट्टे के ऊपर, या फिर आपने कोई भी इसका दूसरा कलर का क्लॉथ लिया है वो, उसके ऊपर आप इस लाइनिंग को रख दो, ठीक है, इस वाले क्लॉथ को रख दो। अब इसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल इसको कट कर देंगे। ये देखो, और अब इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखो, इसमें 2 कपड़े मिल गए हमें आगे और पीछे के लिए। ऐसे हमने इसको खोला, देखो इसका ये पूरा फुल फ्लेयर अम्ब्रेला वाला लुक आ रहा है, बिल्कुल खुला खुला यहाँ बीच में से। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कमर से लेकर यहाँ तक था 20 इंच, ठीक है, तो हम यहाँ पे कमर से लेकर, कमर हमारे यहाँ पर है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। कमर से लेकर यहाँ तक था हमारा 20 इंच, 20 का आधा कितना होता है 10 इंच लेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल निशान लगा देंगे, इसको वहाँ कॉर्नर तक। अब आप देख सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो ये वाली लाइन मैंने लगाई है ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 इंच पे निशान लगा के, फिर ये वाला जो है कपड़ा कट जाएगा, तो ये हमारा हाई वाला पार्ट बन जाएगा। लीजिए, हमारा कट हो गया और ये हमारा बन गया हाई वाला पार्ट। ये देखो, मैंने इसके ऊपर ये वाला क्लॉथ रख के, दूसरे कलर वाला क्लॉथ रख के अस्तर के ऊपर यहाँ पे सब पिंस लगा दी, साइड्स पे सारे पिंस लगा दी कि ये यहाँ पे सिक्योर रहे, ठीक है। अब मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ, अगर कोई भी कपड़ा है, जैसे कि इसमें 2 कपड़े एक साथ स्टिच हो रहे हैं, तो आप इस मेथड से इजीली नेक डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसे क्या करो, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, दोनों के आर्म होल मिला दो ऐसे, ठीक है, और आपको जितना भी नेक चाहिए वैसे आप नेक का डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो। देखो, लंबाई में पहले 1/2 इंच ऊपर टर्निंग के लिए जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा नेक डिज़ाइन की लंबाई मेरे केस में होगी 5 इंच 5 इंच, और यहाँ से मेरे को टोटल 6 इंच चाहिए, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, टोटल 6 इंच चाहिए, तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो मैंने ये नेक डिज़ाइन की शेप दे दी 3 इंच यहाँ से, और लंबाई में 5 इंच ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। यहाँ पर मेरे को थोड़ा राउंड शेप देनी है, ठीक है, ऐसे मैंने राउंड शेप दे दी। जितना भी लंबा आपको गला चाहिए आप ऐसे बना लो, और फिर ये जो मेरे नेक डिज़ाइन की शेप है
इससे थोड़ा कम, इट मीन्स यहाँ एक और निशान लगा दो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, ठीक है। और अब इसमें कटिंग कर दो, ऐसे हमारे दोनों कपड़े एक साथ कट रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पिंस लगाई हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे, देखो आपस में सिल देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बिल्कुल गोल इसी शेप में सिल देंगे, ठीक है। इसी शेप में गोल सिल देंगे सिलाई मशीन पर जाके। याद रहे इन दोनों कपड़ों की सही साइड एक दूसरे की तरफ है। ये देखो हमने यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस कर लिया तो ये सही हो गया, ठीक है। इसको प्रेस करने से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसकी इन दोनों पैनल्स के गले हमने बना लिए हैं, अब इनकी सही साइड एक दूसरे की तरफ रख देंगे। जो भी हमने फ्रंट में रखनी है ये हमने एक दूसरे की तरफ रख देनी है ऐसे। अब देखो इन शोल्डर्स को आपस में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे स्टिच कर दो। इधर भी हमने पिन से टक कर दिया है, अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर दीजिए। देखो अब हम सिंपल स्लीव्स कट कर लेंगे। ये मैंने कैप स्लीव्स कट की है छोटी छोटी, ठीक है। तो अगर आपको सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि डिफरेंट टाइप की स्लीव्स कैसे कट करते हैं। हमारे जो आर्म होल है उसके साथ स्लीव की साइड दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रख के हमको पिंस लगा लेनी है। जैसे मैंने पिंस लगा ली, अब सुइंग मशीन पर जाएंगे, इस स्लीव्स को इसके साथ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल लास्ट तक स्टिच कर देंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल लास्ट तक हम स्टिच कर देंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमने सारी बॉटम टर्निंग कर ली, इस पूरे लाइनिंग क्लोथ की भी बॉटम टर्निंग कर ली और हमारे इस क्लोथ की भी बॉटम टर्निंग कर ली जो हमने हाई लो बनाया है, ठीक है। इसकी बॉटम टर्निंग अगर आपको स्विंग मशीन पे करनी है तो आप दो बार टर्न करके सिलाई कर लो, ठीक है। अगर आपको पीकू करवानी है तो आप यहाँ पे पीकू भी करवा सकते हो, उससे भी अच्छा फ्लेयर आएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट अम्ब्रेला फ्लेयर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सारी मार्किंग कर लेंगे, स्लीव से लेकर स्लीव बॉटम कितना चाहिए, फिर यहाँ पे बस्ट की मार्किंग कर लेंगे, ऊपर से लेकर 14 इंच पे 14 इंच पे हम कमर की मार्किंग कर देंगे, वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद इसको हम बिल्कुल कॉर्नर पर मैच कर देंगे ऐसे। मैंने यहाँ पर हर जगह पिन स्टक कर दी है ताकि ये कपड़ा हिले ना, और हाफ इंच तक साइड पर हम मार्क कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। वहाँ पर भी हमने सेम मार्किंग कर दी है। अब सुइंग मशीन पर जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से लास्ट तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। हाइलो कुर्ती की ये है फाइनल इमेज और ये अम्ब्रेला कुर्ती है। तो देखो फुल फ्लेयर अम्ब्रेला आ रहा है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो, अगर मैं इसको छोड़ूँ तो इसमें हाइलो लुक आता है जो हमने यहाँ पे दिया है इसके थ्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो neimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मेकिंग्स में ऐसा शेयर कीजिए। मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि कंधा तो या तीरा गिरता क्यों है, शोल्डर गिरता क्यों है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उसकी टिप्स दूंगी। और थ्री टाइप की आपको बेल स्लीव सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं बेल स्लीव्स जो आजकल इन है। ये है फाइनल इमेज, और पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ से भी हाई लो गिवन है और आगे से भी हाई लो है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और अब आप नियर इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।